नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। धार्मिक स्थल पर बने कुएं में डाली बकरे की खाल, लोगों में रोष व्याप्त। सर्वत्र कस्बा के महाकालेश्वर रोड पर स्थित लोहंडा वाले हनुमान जी मंदिर पर बने कुएं में किसी असामाजिक तत्व के द्वारा बकरे की खाल डालने से लोगों में रोष व्याप्त है और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी, जिस पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। वहीं संदर्भ में ब्राह्मण समाज अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा स्वामी ने बताया कि करीब 200 साल पुराने हनुमान जी मंदिर पर कुआं बना हुआ है, जिस पर से रोजाना आसपास रहने वाले लोग भी पानी पीने के लिए लेते जाते हैं और इसी कुएं के पानी में ही मंदिर परिसर पर पूजा पाठ आदि के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन किसी असामाजिक तत्व के द्वारा यह हरकत की गई है, जिससे हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। साथ ही लोगों ने उक्त असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान ब्राह्मण समाज अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा स्वामी, एडवोकेट योगेश शर्मा, संजय पारसर, भोला उपाध्याय, जीतू शर्मा, मंदिर पुजारी घनश्याम बाबा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सर्वत्रा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। खाल डाल दिए, अब वो खाल किसकी थी यहाँ आगे मालूम पड़ा है कि बकरे की खाल थी। और जब सूचना मिली तो हमने पूरे प्रशासन को, आप लोगों को, सबको सूचित किया है। और यहाँ जो कार्रवाई हो रही है, अभी जो यहाँ की जानकारी मिली है हमको, यहाँ लोग बाग जाति विशेष के यहाँ आगे दारू भी पीते बताए, क्योंकि पुजारी से पूजा करके चला जाता है, उसके बाद यहाँ जाति विशेष के इनके माहौल को खराब करने की पोजीशन कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि और दूसरी कास्ट से यहाँ रहती नहीं है। इनका त्यौहार था और खाल कौन डालने आएगा, ब्राह्मण तो डालने से रहे, बनिया डालने से रहे। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ का माहौल खराब हो सकता है, इसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। मैं अध्यक्ष अशोक स्वामी, शरण संस्था सरमोसरा। आज करीबन 10-11 साल से पूजा कर रहा हूँ यहाँ, और यहाँ जो घटना घटती है वो इसी तरीके की, हर बार यही घटना घटती है। और यहाँ जो लोग बाग यहाँ बैठ कर के जो दारू पीते हैं, इन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है यहाँ। और यहाँ हनुमान जी का जो मंदिर है, तो यहाँ अधिकतम गंदगी के अलावा दूसरी बात नहीं होती है। कितने साल पुराना मंदिर है ये? 200 साल पुराना मंदिर है कम से कम। मेरे चाचा जी भी करते थे पूजा, बाबा भी कर रहे और मैं भी अब कर रहा हूँ, तो करीबन 10-11 साल तो मुझे भी हो गई, और 35-40 साल मेरे चाचा जी करके शांत हो गए, और अब तक वो भी वही घटना अब जो होती आ रही है। आप क्या चाहते हो प्रशासन से? हम प्रशासन से ये चाह रहे हैं कि हमारी सुरक्षिता, हनुमान जी का मंदिर है, इसकी पूजा सेवा के लिए पानी भी चाहिए, तो यहाँ ये गंदगी नहीं। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम हमारे यहाँ, साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन, जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर, प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार, मोबाइल नंबर 94-14-58-37-70, निर्देशक इंद्र सिंह पवार, मोबाइल नंबर 80-05-88-89-39। राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने युवक को मारी टक्कर, इलाज के लिए ले जाते समय युवक ने तोड़ा तंब। राजाखेड़ा कस्बे के टीवीएस एजेंसी राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर बुधवार शाम एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने युवक को टक्कर मार दी। इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की सूचना स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस के द्वारा घायल युवक को इलाज के लिए राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहाँ घायल युवक को प्राथमिक उपचार देने के बाद उसकी हालत नाजुक होने पर उसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इलाज के लिए ले जाते समय घायल युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद मृतक युवक के शव को वापस राजाखेड़ा सीएससी लाया गया और पुलिस को सूचना दी गई।
पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर सीएससी की मोर्चरी पर रखवा दिया। टाउन चौकी प्रभारी एएसआई राजेश सिंह ने बताया कि घटना को लेकर मृतक के भाई राकेश ने तहरीर दी है। पुलिस को दी तहरीर में मृतक के भाई ने बताया कि उसका भाई रामब्रज पुत्र श्रीपत निवासी सामलियापुरा बुधवार शाम राजाखेड़ा में भंडारे में प्रसादी खाने के लिए आया हुआ था, जहाँ वह धौलपुर मार्ग पर घर जाने के लिए किसी साधन के इंतजार में खड़ा हुआ था, तभी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसमें टक्कर मार दी। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर भाग गया। फिलहाल पुलिस ने मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मामले में जांच अभी की जा रही है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। सैपुर खंड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपुर। हमारा पता है पुलिस थाने के पास धौलपुर रोड सैपुर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सैपुर खंड में लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना हमारा संयोग नहीं परंपरा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस विद्यालय, जिसमें विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, शुद्ध पेयजल, विद्यालय कैंपस में विशाल खेल मैदान एवं क्षेत्र के सभी गांव से वाहन सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। बाइक भिड़ंत में युवक युवती गंभीर रूप से घायल। देर रात्रि सैपो खेरागढ़ मार्ग इटकी गांव के पास आमने सामने बाइक भिड़ंत में युवक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर एम्बुलेंस 108 की मदद से सैपुर सीएससी पर लाया गया, लेकिन चोट अधिक होने की वजह से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया गया। युवक का नाम सोनू और युवती का नाम मधुगिरी मोहल्ला बाड़ी बताया गया है। सैपुर से अजित परिहार की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत खिडोरा में हुआ रात्रि चौपाल का आयोजन। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सुनी लोगों की समस्याएं। समस्त विभागों के अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद। बसेड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत खिडोरा में बीती रात अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका निस्तारण भी किया। रात्रि चौपाल में ग्रामवासियों द्वारा कुल 26 परिवार प्रस्तुत किए गए, जिनमें पंचायत समिति से संबंधित 7 परिवार, विद्युत के 2, सिंचाई विभाग के 2, पीएचईडी के 6, समाज कल्याण का 1, आयुर्वेद का 1, पीडब्ल्यूडी के 2 और राजस्व विभाग के 3 परिवाद प्राप्त हुए, जिस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित विभागों को परिवादों के संदर्भ में चर्चा करते हुए शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल में उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा, विकास अधिकारी बाबूलाल मीना, तहसीलदार ब्रजेश कुमार, सहायक अभियंता सिंचाई विभाग पूरन चंद्र मंगल, सहायक अभियंता जलदाय विभाग योगेश पिशोरी, जेईएन सत्येंद्र सिंह चौहान, जेईएन विद्युत विभाग राहुल शर्मा, नायब तहसीलदार जारगा चरण सिंह, भुआ विलेख निरीक्षक गणेश योगी, पटवारी हल्का खिड़ोरा विष्णु कुमार, देवेंद्र गुर्जर, नीचे सहायक शैलेंद्र सैनी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लाखन सिंह पूर्व प्रधान द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। पसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट को समझने और उनको दूर करने को शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलम्ब न करें, आज ही अपने बच्चों को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें।
सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी जेल रोड धौलपुर, प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी, मोबाइल नंबर 9928623387 और 9414028066 और 8058100462। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके के सागरपाड़ा चौकी के पास बुधवार रात ट्रक ने ईंट से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर को शव को मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचना दी। कोतवाली थाने के ASI गिरवर सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर ड्राइवर मोहन पुत्र राम नरेश प्रजापति निवासी संजय कॉलोनी अम्बा मध्य प्रदेश बुधवार को राजाखेड़ा से ट्रैक्टर में ईंट भरकर अम्बा ले जा रहा था। देर रात को थाना कोतवाली क्षेत्र के सागरपाड़ा चौकी के पास पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर मोहन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने ट्रैक्टर ड्राइवर को मृत घोषित करते हुए शव को मॉर्चरी में रखवा दिया, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को हादसे की सूचना दी। पुलिस की से सूचना मिलने के बाद गुरुवार को परिजनों के अस्पताल पहुंचने पर मृतक का पोस्टमार्टम करा दिया है। ASI ने बताया कि मृतक के शव को परिजनों को सौंप दिया गया है और मामले में जांच शुरू कर दी है। लगातार 7 वर्षों से 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र स्कूल संस्कार पब्लिक स्कूल दारा सिंह नगर दारा पैलेस के पास धौलपुर, अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र स्कूल जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स एवं अन्य खेलों की सुविधा एकदम निशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए CCTV कैमरा, RO वाटर और पर्याप्त हवादार कक्षा कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से UKG तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। संगीत और डांस क्लास एकदम निशुल्क है। अपने बच्चों को शीघ्र प्रवेश दिलाए। निदेशक जितेंद्र कुमार शर्मा, मोबाइल नंबर 9413818181 और 9464014211। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सरमतरा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देसी अवैध शराब के 226 पौओं और 25 पौए अंग्रेजी शराब और 9 बोतल बियर को जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान आरोपी शराब माफिया मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस की कार्रवाई के बाद अवैध शराब कारोबारी में हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कप्तान सिंह के बाड़े के सामने जोमई रोड गेंदापुरा पर एक युवक अवैध शराब ले जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम का गठन कर उक्त स्थान पर छापा मार कार्यवाही करी गई, जहां से पुलिस ने कट्टे में रखे 226 पौए देशी शराब, 25 पौए अंग्रेजी शराब और 9 बोतल बियर की जब्त की है। इस कार्रवाई के दौरान आरोपी बहादुर सिंह कश्यप निवासी गेंदापुरा मौके से फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि भविष्य में भी अवैध शराब रखने वाले और अवैध गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी रहेगा। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी गौरव कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाप्ता मौजूद रहा। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं 12वीं में अद्भुत परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय गिरिराज विद्या उच्च माध्यमिक विद्यालय पुराने बिजली घर के सामने भामतीपुरा धौलपुर, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की नई पहल। कक्षा 10वीं के 90% से अधिक किसी भी सरकारी व निजी स्कूल के छात्र छात्राओं को 11वीं 12वीं की शिक्षा निःशुल्क एवं 11,000 रुपए की दोनों वर्ष की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हमारे विद्यालय की कक्षा 12वीं के होनहार विद्यार्थी अलका कुमारी 93%, मोनू कुमार मीणा 92%, महरीन फातिमा 91%, ओकेश 90%, कक्षा 10वीं में कृष्णकांत 93%, नकुल मीणा 91%, नमन सिंगल ने 90% अंक प्राप्त किए। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए CCTV कैमरा, कंप्यूटर लैब, RO वाटर जनरेटर और इन्वर्टर और बस की सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाए। निदेशक रूपेंद्र सिंह फौजदार, मोबाइल नंबर 9460879440, दूसरा 9549831768।
सचिव DLSA रेखा यादव ने किया राजकीय बाल संप्रेक्षण और किशोर गृह धौलपुर का निरीक्षण। धौलपुर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर रेखा यादव द्वारा राजकीय बाल संप्रेक्षण और किशोर गृह धौलपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाल गृह के उपेक्षित बाल लक एवं संप्रेक्षण गृह के अपचारी बालकों से रूबरू होकर गृह में बालकों को मिल रही मूलभूत सुविधाओं, भोजन, स्वच्छ पेयजल व अन्य आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर संप्रेक्षण गृह कनिष्ठ सहायक संजय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के सुरेंद्र सिंह सहित गृह के कर्मचारी गण भी मौजूद रहे। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल घंटाघर रोड एवं AVM इंटरनेशनल स्कूल गिरिराज कॉलोनी धौलपुर। यहां है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार AC क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, NCC, स्काउट, NSS, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जुड़े कराटे स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, CBSE मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं AVM इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली AC व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। भागवत कथा में सुनाई गोवर्धन पूजा की महिमा। समुद्रा कस्बा के अग्रवाल धर्मशाला पनिहारी गेट पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आज गुरुवार को कथावाचक धीरज कृष्ण शास्त्री छोटे ठाकुर ने गोवर्धन पूजा की लीला की कथा सुनाई और कहा, एक बार इंद्रदेव ब्रजवासियों पर क्रुद्ध हो गए और पूरे ब्रज मंडल में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं के साथ मिलकर गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया और ब्रजवासियों को इंद्रदेव के कोप से बचाया, जिस पर संपूर्ण ब्रजवासियों ने धूमधाम से विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर धूमधाम से गोवर्धन की पूजा की और उत्सव मनाया। वहीं कथा के दौरान भजनों के धुनों पर श्रोताओं ने जमकर नृत्य किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। राजखेड़ा उपखंड अधिकारी ध्यान दे, बाल आधार अपडेटिंग में खुलेआम हो रहा है भ्रष्टाचार। राजखेड़ा पंचायत समिति के अंदर बने अटल सेवा केंद्र में 5 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर बायोमेट्रिक अपडेट सरकार द्वारा निशुल्क है। उसके आधार कार्डों के द्वारा बच्चों के आधार कार्डों का अपडेटिंग का काम चल रहा है, जिसके आधार केंद्र के द्वारा 100 से लेकर 150 रुपए तक लिए जा रहे हैं, जबकि बाल आधार अपडेट करने का निःशुल्क है। इसके लिए कोई पैसा देय नहीं है, फिर भी आधार बाल केंद्र आधार अपडेट व न्यू बाल आधार बनाने पर भी निःशुल्क वसूला जा रहा है, जिसकी शिकायत राजखेड़ा विकास अधिकारी को मौखिक रूप से की गई तो उन्होंने मौखिक शिकायत को नजरअंदाज करते हुए लिखित शिकायत देने को कहा, जबकि आधार केंद्र पंचायत समिति प्रांगण के अंदर ही संचालित है। क्या उपखंड अधिकारी राजखेड़ा एवं संबंधित अधिकारी हो रहे हैं खुलेआम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे? राजखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। आज विकसित भारत संकल्प संस्थान की बैठक घड़ी विंतीपुरा ग्राम यूथ फॉर नेशन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महेश शर्मा जी के नेतृत्व में देव पारासर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उस बैठक में देव पारासर ने पेड़ लगाने के लिए अथवा पक्षियों और गाय माता के लिए पानी पीने की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया। इस मौके पर रामू सिकरवार, हन्नू हुंडावाल, संजू शर्मा, हरपुर ठाकुर, ताहिर खान, अनुराग कटारा, लक्की कुशवाहा आदि मौजूद थे। धौलपुर महिला मोर्चा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। राजस्थान की भाजपा नीति व आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देने का फैसला किया। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए हम सब मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हैं।
आज इस अवसर पर महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में धौलपुर भाजपा महिला मोर्चा की जिला संयोजिका कल्पना शर्मा ने महिलाओं को मुंह मीठा करवाया और मुख्यमंत्री जी का आभार जताया। कल्पना शर्मा ने बताया कि इससे महिलाओं व छात्राओं में खुशी की लहर है और बच्चियों ने भी मुख्यमंत्री का आभार जताया है। इस अवसर पर मीडिया सह संयोजक शशि त्यागी, जिला मंत्री ज्योति शर्मा, कोषाध्यक्ष कमलेश सेन, चित्रांशी शर्मा, लक्ष्मी, रामवती देवी, मीना आदि महिलाएं मौजूद रही। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिन्होंने सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30% से बढ़ाकर के 50% किया है। इसके लिए आज हम सभी महिला मोर्चा की बहनें एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आभार व्यक्त किया है और हम सभी महिलाएं उनका आभार व्यक्त करती हैं, क्योंकि वो हमेशा नारी सशक्तिकरण के लिए आगे रहते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री का धन्यवाद और आभार। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए चंबल प्रभाग न्यूज। धन्यवाद।